नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर जो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी में है नासा ने एक खास मिशन के तहत चार वैज्ञानिकों को तीन दिन तक एक मंगल ग्रह जैसे घर में रखा तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत ट्रायल के बारे में ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा ने एक खास घर तैयार किया जिसे मंगल ग्रह के हालातों के अनुरूप बनाया गया था इसमें चार वैज्ञानिकों ने एक साल बिताया ताकि यह देखा जा सके कि इंसान मंगल ग्रह पर कैसे रह सकते हैं इस मिशन के लिए चुने गए थे एंका सेलारियो रॉस बॉकरवेल नाथन जॉन्स और टीम लीडर केली हेस्टन इन वैज्ञानिकों ने एक साल तक इस घर में रहकर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया इस दौरान उन्होंने सब्जियाँ उगाई रिसर्च की और मार्स वॉक की भी प्रैक्टिस की ये समय किसी लॉकडाउन जैसा था जिसमें वे अपने परिवार से दूर थे ये अनुभव न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है एक साल बाद जब चारों वैज्ञानिक इस घर से बाहर निकले तो तालियां के गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा उन्हें चेहरे पर मुस्कान दिखी और उनके बाल थोड़े अधिक बिखरे हुए थे लेकिन उनकी खुशी साफ देखी जा सकती थी डॉक्टर जोन्स अपनी पत्नी को देखकर भावुक हो गए और रोने लगे वहीं केली हेस्टन ने हंसते हुए कहा हेलो आप लोगों से फिर मिलकर वाकई शानदार लग रहा है ये खास घर थ्री डी प्रिटेंट सत्रह वर्ग फुट का कक्ष है जिसमें चार बेडरूम जिम किचन और रिसर्च सेंटर है इसे एयरलॉक द्वारा अलग किया गया था ताकि वैज्ञानिक पूरी तरह से मंगल ग्रह के हालातों का अनुभव कर सके ना की यह कोशिश मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाली है अगर सब कुछ सही रहा तो अगले सात सालों में यानी 2030 तक हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना शुरू कर देंगे तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी आज की खास रिपोर्ट क्या आप भी मंगल ग्रह पर जाना चाहेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद